पंच श्लोकी गणेश पुराणम। श्री विघ्नेश पुराण सार मुदितम व्यासाय धात्रापुरा तत्खंडम प्रथमम महागणपतेश्चोपासनाख्यम यथा संहर्तुम त्रिपुरम शिवेन गणपस्यादौ कृतम पूजनम करतुम सृष्टिमिमां स्तुतः स विधिना व्यासेन बुद्ध्याप्तये। अर्थात पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने व्यास जी को श्री विघ्नेश अर्थात श्री गणेश पुराण का सार तत्व बताया था। ये महागणपति का उपासना संज्ञक प्रथम खंड है। भगवान शिव ने पहले त्रिपुर का संहार करने के लिए गणपति का पूजन किया, फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए उनकी विधिवत स्तुति की, उसके पश्चात व्यास जी ने बुद्धि की प्राप्ति के लिए उनका स्तवन किया। संकष्ट याश्य विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वै दूर्वाणां महिमेति भक्ति चरितं तत् पार्थिवस्यार्चनं तेभ्यो येर्यदभीप्सितं गणपतिस्तत् प्रतुष्टौ ददौ ताः सर्वाः न समर्थ एव कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः। अर्थात संकष्टी देवी की, गणेश जी की, उनके मंत्र की, स्थान की, तीर्थ की और दुर्वा की महिमा, ये भक्ति चरित है। उनके पार्थिव विग्रह का पूजन भी भक्तिचर्या ही है। उन भक्तिचर्या करने वाले पुरुषों में से जिन जिन ने जिस जिस वस्तु को पाने की इच्छा की, संतुष्ट हुए गणपति ने वह वह वस्तु उन्हें दी। उन सब का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। क्रीड़ा कांड मथो वदै कृत युगे श्वेतच्छविः काश्यपः सिंहांक सविनायको दशभुजो भूत्वाथ काशिम ययौ हत्वा तत्र नरांतकं तदनुजं देवांतकं दानवं त्रेतायां शिवनंदनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः। अर्थात जब क्रीड़ा कांड का वर्णन करती हूँ तो सतयुग में दस भुजाओं से युक्त श्वेत कांतिमान कश्यप पुत्र सिंहध्वज महोत्कट विनायक काशी में गए। वहां नरांतक और उनके छोटे भाई देवांतक नामक दानव को मारकर त्रेता में वे खडबाहु शिवनंदन मयूरध्वज के रूप में प्रकट हुए। हत्वा तम कमलासुरम चसगडम सिंधुम महादैत्यपम पश्चात सिद्धिमती सुते कमलजस्तस्मै च ज्ञानं ददौ द्वापारे तु गजाननो युगभुजौ गौरीसुतः सिन्दूरं सम्मर्घ्य स्वकरेण तं निजमुखे चाकूध्वजौ लिप्तवान्। अर्थात उन्होंने कमलासुर को और महादैत्यपति सिंधु को उसके गढ़ों के साथ मार डाला। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याएं उन्हें दी और ज्ञान भी प्रदान किया। द्वापर युग में गौरी पुत्र गजानन दो भुजाओं से युक्त हुए। उन्होंने अपने हाथ से सिंदूरासुर का मर्दन करके उसे अपने मुख पर पोत लिया। उनकी ध्वजा में मूषक का चिन्ह था। गीता या उपदेश एव हि कृतो राज्ञे वरे न्यायवै तुष्टा याथ च धूम्रकेतुर्भिधो विप्रह सधर्मर्धिकः अश्वांको द्विभुजोसितो गणपतिं लेक्षान्तकः स्वर्णदः क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य हरिणां प्रोक्तं विधात्रे पुरा। अर्थात उन्होंने संतुष्ट राजा वरेण्य को गणेश गीता का उपदेश दिया, फिर कलयुग में वे धूम्रकेतु नाम से प्रसिद्ध धर्मयुक्त धन वाले ब्राह्मण होंगे। उस समय उनके ध्वज का चिन्ह अश्व होगा, उनकी दो भुजाएं होंगी, वे गौर वर्ण के गणपति म्लेच्छों का अंत करने वाले और सुवर्ण के दाता होंगे। गणपति के इस क्रीड़ा कांड का वर्णन पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से किया था। एतच्छ लोक सुपंचकम् प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः पुमान् निर्वाणं परमं व्रजेत स सकलान् भुक्त्वा सुभोगानपि।
अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से इन 5 श्लोकों का पाठ करेगा, वो समस्त उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री पंच श्लोकी गणेश पुराण संपूर्ण हुआ।